नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं एवं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा, जिसमें सर्वप्रथम यहां पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज करते हुए लेफ्ट पाम पे भी एट द एंड यहां पर प्रिडिक्शन करने जाएंगे। तो सबसे पहले आते हैं फिंगर की लेंथ पे। तो फिंगर की लेंथ पाम के कंपैरिजन में आपके शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट है, जल्दबाजी और हड़बड़ी को इंडिकेट करता है। इट मींस जो भी आपके दिलो दिमाग में थॉट्स आएगा उसको क्विकली इंप्लीमेंट करना, रिजल्ट की चाहत ज़्यादा रखना और जो ये प्रोसेस या प्रक्रिया जो होती है उस पर ध्यान कम रहता है। ओवरऑल ये देखा जाए तो टू द पॉइंट बात करना या सुनना आपको ज़्यादा बेसिकली पसंद रहेगा और आपके अंदर एनर्जी थोड़ी ज़्यादा रहने वाली है। यही रीज़न है कि जल्दी जल्दी काम भी आप तकरीबन सब अपने जो है लाइफ में करना पसंद करेंगे और यही रीज़न है कि रिजल्ट की चाहत भी आपके अंदर जल्दी या ज़्यादा देखने को मिलेगा। ओवरऑल पेशेंस लेवल कम देखने को मिलता है, अदरवाइज किसी के अंडर में ज़्यादा कंफर्टेबली वर्क नहीं कर पाते हैं, परंतु अपने अंडर में दूसरों को रख करके अच्छे से काम निकलवा सकते हैं। लिटिल फिंगर की लेंथ यहाँ ठीक है, क्योंकि थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर से थोड़ा सा शॉर्ट है, लेकिन यहाँ पर जो फॉर्मेशन है लिटिल फिंगर का वो भी डाउन टू वर्ड्स है, तो इस कारण से इसको ज़्यादा हम छोटा कंसीडर नहीं कर सकते। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो ये कम्युनिकेशन स्किल को इंडिकेट करता है, तो कम्युनिकेशन में किसी भी प्रकार की ट्रबल या प्रॉब्लम आपको नहीं रहेगी। अपनी बात को बड़ी ही ज़्यादा स्पष्टता व आसानी से दूसरों के सामने रख पाएंगे, कोई भी ऐसी हिचकिचाहट, घबराहट या मन के अंदर बात को दबाना ऐसी कोई गतिविधि नहीं है। ओवरऑल मार्केटिंग स्किल भी इस कारण से अच्छा देखने को मिलता है और थर्ड फिंगर की लेंथ आपकी अच्छी है और ये सन की फिंगर है, तो इस कारण से ये क्रिएटिविटी, आर्टिस्टिक क्वालिटी, रिस्क टेकिंग नेचर, ये सारे चीज़ों को इंडिकेट करता है, जो आपके अंदर अच्छा रहने वाला रहेगा, यानी हिम्मती स्वभाव आपका रहेगा, जिसके कारण लाइफ में हमेशा चुनौतियों से सामना करते रहना, कुछ ना कुछ नया अपने लाइफ में हमेशा ट्राई करते रहना। इसके अलावा नेम फेम रिस्पेक्ट की चाहत भी ज़्यादा होती है, सोसाइटी में इज्जत सम्मान या स्टेटस भी अच्छा देखने को मिलता है। ओवरऑल थर्ड फिंगर रॉयल्टी को इंडिकेट करता है, तो लाइफ में रॉयल्टी अच्छी मेंटेन कर पाएंगे और बेसिकली स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी आपका अच्छा रहेगा, उससे कभी भी आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। वही फिंगर के ऊपर देखें तो सीधी खड़ी रेखा आपके बहुत अच्छे मौजूद है, जो यहाँ पर आपके फ्रेंडली नेचर को इंडिकेट करती है, तो उस कारण से हर परिस्थिति माहौल में ढल जाने के सक्षम रहेंगे और हर प्रकार के व्यक्तित्व वाले लोगों के साथ भी आपके संबंध तकरीबन यहाँ मधुर रहने वाले हैं, यानी रिलेशंस अच्छे आप यहाँ आपके लॉन्ग बेसिस पर टिकने वाले रहेंगे। और फिंगर के फैलेंजेस भी अच्छे डेवलप हैं, अंदरूनी मंगल भी कुल मिलाकर के ठीक है, तो इस कारण से एनर्जी, स्टेमिना ये भी आपके अंदर अच्छा रहने वाला रहेगा। थोड़े से जैसे गैप्स मेंटेन हो रहे हैं जो अधिक खर्चीलेपन को व्यक्त करते हैं। बाकी आए थंब के साइज़ पर, तो थंब का साइज़ यहाँ पर थोड़ा सा शॉर्ट देखने को मिल रहा है, लेकिन थंब जो है सशक्त यानी मजबूत है, तो इस कारण से किसी के सामने ज़्यादा झुकना आपको पसंद नहीं रहेगा। और यहाँ पर देखें तो जो आपका फर्स्ट फैलेंज है इस पर आड़ी रेखा धनवान होने का सूचक होता है, तो जीवन में धन की स्थिति हमेशा पर्याप्त मात्रा में आपके पास रहने वाली है। पाम के साइज़ के विषय में यहाँ पर आते हैं, तो पाम का साइज़ यहाँ पर स्क्वेरिश हैंड में कन्वर्ट हो रहा है, जो कि हार्ड वर्किंग नेचर को सबसे पहले इंडिकेट करता है। और यहाँ पर देखें तो एक प्रकार से धनुष बाण जैसा फॉर्मेशन आपको बनते हुए देखेगा, जिसके कारण कोई भी चीज़ आप जल्दी सीख और समझ सकते हैं और अपने लाइफ में बहुत जल्दी चीज़ों को अप्लाई भी करने लगते हैं, जो आपने सीखा है या जो एनालिसिस किया है या जो डिसीजंस किया है उसको बहुत क्विकली और बहुत प्रोमिनेंट तरीके से अप्लाई करते हैं, इसीलिए अधिकांश आपके जो काम है वो तकरीबन सही ढंग से संपन्न हो जाने में सक्षम रहेंगे। यहाँ देखें तो इंस्पिरेशन मोटिवेशन जोन से स्टार्ट करते हैं, तो ये नीचे का जो क्षेत्र है ये मोटिवेशन जोन है, तो ये डेवलप ठीक है। थिंकिंग जोन बिल्कुल भी एक्टिव नहीं है, लेकिन एक्शन जोन अच्छा है। इट मीन्स जो भी दिलो दिमाग में आपके बस एक बार ख्यालात आ गया, मोटिवेशन आ गया, उसके ऊपर आप डायरेक्ट एक्शन करना पसंद करते हैं विदाउट थिंकिंग, यही रीज़न है कि एक्शन के बाद, तो इस कारण से होता यह है कि पहले आप एक्शन ले लेते हैं, देन आफ्टर उसके ऊपर थिंकिंग करना या एनालिसिस करके प्रो कॉन्स देखना, उस प्रकार का एटीट्यूड यहाँ ज़्यादा निकल के आ रहा है। अब यहाँ पर एक एक पर्वत का सभी पर्वत रेखाओं के बारे में आपको अवगत कराता हूँ। तो सबसे पहले गुरु के क्षेत्र से प्रारंभ करते हैं, तो गुरु का क्षेत्र यहाँ पर कुल मिलाकर के विकसित नॉर्मल है, ज़्यादा एरिया गुरु यहाँ पर गुरु का आपका लिया नहीं है, लेकिन ओवरऑल जो साइंस है वो यहाँ पर पॉजिटिव है। रीज़न ये है कि यहाँ पर आपकी प्रोग्रेस लाइन बहुत अच्छे तरीके से निकल रही है, और ये जो प्रोग्रेस लाइन होती है ये जीवन में कभी भी व्यक्ति को बद से बदतर कंडीशन में भी गिरने नहीं देती। तो आपने अपने जीवन में तकरीबन 24 से 25 साल की उम्र के बाद ये जरूर देखा होगा अभी तक, और आगे भी देखते ही रहेंगे, कि चाहे जितनी भी वर्स्ट कंडीशन लाइफ में आ जाए, लेकिन आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग से, रॉयल्टी से, सुख सुविधा से किसी भी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा, क्योंकि ये इन रेखाओं का काम ही यही है,
ये प्रोग्रेस लाइन आपके मेंटेलिटी को बेसिकली इंडिकेट करता है कि आप कितने ज़्यादा यहाँ पर एम्बिशियस नेचर के हैं और अपनी इच्छा मनोकामनाओं को हासिल करने के लिए किसी भी लेवल तक चले जाने वाले रहेंगे। तो जो भी आपके ड्रीम या डिज़ायर रहेंगे वो 100% कम्प्लीट होने वाला यहाँ रहेगा। तो गुरु माउंट कम एरिया लेने के कारण थोड़ा फैमिली लाइफ को लेकर के अनसेटिस्फेक्शन या अनस्टेबिलिटी बनी रहती है, लेकिन मुझे कोई ऐसा प्रोमिनेंट योग नहीं दिख रहा है कि हाँ आपकी मैरिड लाइफ या फैमिली लाइफ में इतना ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम है भी। शुक्र जरूर यहाँ पर पीड़ित है तो टेंशन जरूर रह सकती है, लेकिन ओवरऑल गुरु माउंट पर कोई भी ऐसा नेगेटिव साइन यहाँ नहीं है ओवरऑल। और यहाँ आप देख पाएंगे आपका स्क्वायर टाइप ऑफ फॉर्मेशन भी क्रिएट हो रहा है, एक से अत्यधिक फॉर्मेशन यहाँ देखने को मिल रहे हैं जो अच्छे प्रॉपर्टी को, इज्जत प्रतिष्ठा मान सम्मान को और धार्मिक कार्यों से मिलने वाले अत्यंत लाभ को व्यक्त करता है। तो जितना हो सके स्पिरिचुअल कनेक्शन आप अपना अच्छा बनाए रखें, आगे चल करके सोशल वर्क में भी आपका इंटरेस्ट जगने वाला रहेगा और जैसे दान पुण्य करना या सोशल वर्क NGOs के लिए काम करना वैसे योग भी यहाँ देखने को मिल रहे हैं। बाकी यहाँ पर देखें सैटर्न माउंट पर, तो सैटर्न माउंट डेवलप्ड यहाँ पर ठीक है आपका, और सैटर्न लाइन की जहाँ तक बात की जाए यानी फेट लाइन की आपके, तो आपका जो यहाँ फेट लाइन निकला है वो उसका झुकाव सूर्य की तरफ है और उसी में से एक शाखा निकल के शनि के क्षेत्र के यहाँ पर झुकी हुई है। ये रेखा पहले ही रुक गई तो इसका परिणाम इतना ज़्यादा अच्छे से नहीं मिल पाया, लेकिन माइंड लाइन के ऊपर से निकली हुई रेखा सीधे शनि के क्षेत्र तक पहुँची और मल्टीपल्स लाइन में विभाजित भी हुई है, तो इस कारण से ये मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग को भी इंडिकेट करता है। अब जैसे यहाँ पर ये जो आपका फेट लाइन है लाइफ लाइन के अकॉर्डिंगली ये निकल रहा है अप्रोक्सीमेटली आपको 53-54 के एज के लमसम में, तो इस एज में किसी न किसी वे में सरकार से लाभ मिलने के आसार आपको अच्छे हैं क्योंकि इसका झुकाव सूर्य की तरफ है और सूर्य होता है शासन का कारक। तो जैसे राजनीति से लाभ मिलना, शासन सरकार से लाभ मिलना, नेम फेम मिलना या कुछ ना कुछ बिजनेस अपना स्थापित करना या बिजनेस में ग्रोथ होना, यानी जो मेन मोटिव है वो है नेम फेम रिस्पेक्ट में बढ़ोतरी। अब इसी में से एक शाखा निकल के जो ये यहाँ आपके माइंड लाइन के ऊपर तक पहुँची है और यहाँ जो ये एज देखने को मिल रहा है ये उम्र तकरीबन आपका 49-52 के बीच में है कि इस टाइम पे ये फेट ट्रैप का रुका है, देन अनदर फेट यहाँ स्टार्ट हुआ है और माइंड लाइन से जो फेट लाइन स्टार्ट हुई है इसका एज अप्रोक्सीमेटली आप निकालेंगे तो ये 37-38 के लमसम में देखने को मिलेगा कि इस टाइम से भी कुछ ना कुछ प्रोफेशनल करियर लाइफ में आपके चेंजेस आया है या फिर डबल सोर्स ऑफ अर्निंग या दूसरे काम के द्वारा धनार्जन प्रारंभ हुआ है। चाहे भाग्य रेखा कहीं से भी शुरुआत हो रहा हो लेकिन इसका अंत शनि के क्षेत्र पर होना बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है क्योंकि ये सेटिस्फेक्शन को और अच्छे धन को यहाँ पर सबसे पहले इंडिकेट करता है। तो जीवन में अपने हर चीज़ को लेकर के सेटिस्फाइड भी आप रहेंगे और मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग के कारण फाइनेंशियल कोई भी प्रॉब्लम यहाँ नहीं है। अब इसी के बीच में यहाँ ये जो तिल है ये मंगल के क्षेत्र पर तिल है और मंगल के क्षेत्र पर तिल होना कंपेरेटिवली ब्रदर के लिए सही नहीं माना जाता है, लेकिन अगर ऐसे प्रॉपर्टी वाइज देखा जाए तो ये शुभ योग है। तो उस कारण से प्रॉपर्टी का निर्माण होना या प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करने से लाभ के आसार या प्रॉपर्टी का जो बिजनेस भी होता है इससे लाभ के आसार अच्छे देखने को मिलते हैं। ओवरऑल यहाँ बात किया जाए आपके सूर्य के क्षेत्र के विषय में तो सूर्य का क्षेत्र यहाँ पर कुल मिलाकर के विकसित नॉर्मल है। अब जो सन लाइन है यहाँ पर तो आपकी सन लाइन देखेंगे आप तो यहाँ पर आपके माइंड लाइन के पास में आकर के रुकी है, देन आफ्टर सन लाइन यहाँ पर आगे की ओर बढ़ते हुए जो बायफोर्क का ये फॉर्मेशन हुआ है ये सबसे बेस्ट माना जाता है। तो उस कारण से पावर अथॉरिटी इन सारी चीज़ों में बढ़ोतरी बहुत अच्छा देखने को मिलता है, तो आपके अंडर में काम करने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा रहने वाली है और अच्छा खासा जो एक वर्चस्व है अपने क्षेत्र में या किसी भी क्षेत्र में आप रहें उसमें स्थापित करने के योग यहाँ पर अच्छे हैं। इसमें दिक्कत यहाँ ये आ रही है कि यहाँ मल्टीपल्स जो सन लाइन है जो कनेक्ट एक दूसरे से हो रही है तो ये बेसिकली कन्फ्यूज़न को ज़्यादा इंडिकेट करता है, तो कन्फ्यूज्ड नेचर पर्सनैलिटी या डिसीजन मेकिंग स्किल्स में थोड़ी सी कमी देखने को मिलती है जिसके कारण किसी न किसी व्यक्ति विशेष की हमेशा आवश्यकता पड़ती है राय लेने के लिए या कोई भी काम करने के लिए। बेसिकली होता यह है कि जो एनर्जी आपके अंदर है वो मल्टीपल जो फॉर्मेशन है उसमें डिवाइड हो जाती है, तो किसी एक चीज़ पर फोकस रह पाना या अपनी तरफ से 100% दे पाने में फिर डिफ़िकल्टीज आती है। लेकिन इसी दौरान में अगर देखेंगे तो दो सबसे बेस्ट साइन यहाँ अवेलेबल है, एक है ये स्क्वायर का साइन और एक है ये ट्रायंगल का साइन। जब इस प्रकार के फॉर्मेशन होते हैं तो सबसे पहले ये अच्छे प्रॉपर्टी को और जन्म स्थान से दूर खुद के प्रॉपर्टी बनने के साथ साथ नेम फेम रिस्पेक्ट हासिल करने के योगों को भी व्यक्त करता है। और जो यहाँ पर ये हल्की हल्की सी रेखाएँ एक दूसरे को जैसे काट रही हैं जैसे यहाँ आप देख पाएंगे यहाँ, तो ये होता ये है कि इसके कारण कॉम्पिटिटर्स थोड़े से लाइफ में ज़्यादा बढ़ जाने वाले होते हैं
और उनके कारण थोड़ा सा डिफेम होने के चांसेस, या पिता का भी ये कारक है तो पिता से भी रिलेशन में थोड़े से उतार चढ़ाव भी देखने को मिलते हैं। अदरवाइज़ कोई भी यहाँ पर ऐसा नेगेटिव साइन इसके अलावा यहाँ नहीं है। मर्करी माउंट डेवलप्ड यहाँ पर आपका ठीक है और एक से अत्यधिक रेखा अच्छी बोलचाल की कला को व्यक्त करता है, तो अपने बातों से दूसरों को अच्छा यहाँ प्रभावित कर सकते हैं और अपने बातों से दूसरों से अच्छा काम भी निकलवा सकते हैं। वहीं जो मर्करी यहाँ लाइन है वो भी यहाँ पर डेवलप्ड होकर के बहुत अच्छा यहाँ आपका कंटिन्यू चल रहा है ओवरलैपिंग के साथ। ओवरलैपिंग के साथ चलने से कोई ऐसी तकलीफ नहीं है, लेकिन ये बिजनेस में भी चेंजेस को इंडिकेट करता है। ओवरऑल मर्करी लाइन का किरदार ऐसा है कि ये व्यापार को इंडिकेट करता है और व्यापार से लाभ के उम्मीद बहुत अच्छी बढ़ जाती है। और सिर्फ व्यापार में ही नहीं, अगर व्यापार के अलावा भी आप कोई काम यहाँ पर करें तो बुध यहाँ पर कारक है वाणी का, बुद्धि का, तो अपने बुद्धि विवेक और वाणी की बदौलत अपना अच्छा वर्चस्व स्थापित कर पाने में, अच्छा सक्सेस पाने में और अच्छा धनागमन करने के योगों को ये व्यक्त करता है। तो इसीलिए ये मर्करी लाइन इतना ज़्यादा शुभ माना जाता है। और यहाँ ये स्वास्थ्य सुधारक रेखा भी है, तो स्वास्थ्य संबंधी जो थोड़े बहुत तकलीफ या परेशानी भी रहती है वो फिर नहीं रहती, क्योंकि ये जो मर्करी लाइन है इसका काम है मैनेजमेंट और पंचुअलिटी का। तो इस कारण से समय पर खाना पीना सोना या अच्छा खान पान रहन सहन वो सारी चीज़ें भी आ जाती हैं जब मर्करी लाइन डेवलप हो, तो इसलिए स्वास्थ्य संबंधी परेशानी में भी कमी आती हुई देखने को मिलती है। और आपका जो मर्करी लाइन है बहुत अच्छा डेवलप हो के चल रहा है, तो व्यापार से तो आपको लाभ के आसार बहुत अच्छे यहाँ देखने को मिल रहे हैं। हृदय रेखा के अंत में गोपूज की आकृति भी है जो गुड सेंस ऑफ ह्यूमर को, फ्लर्टी रोमांटिक नेचर को भी इंडिकेट करता है। तो इस कारण से चाहे जीवन में परिस्थिति कैसी भी हो, आप कहीं ना कहीं हंसते खिलखिलाते या दूसरों को खुश रखते हुए देखने को मिलेंगे। गुड सेंस ऑफ ह्यूमर के कारण माहौल की जान बन जाना या शान बन जाना ये भी देखने को मिलता है। लोग आपके पास बैठना, बातचीत करना, आपके पास रहना ज़्यादा पसंद करेंगे। यहाँ आपकी हार्ट लाइन की बात करते हैं, तो हार्ट लाइन का फ्लो यहाँ से निकलते हुए सीधे जो है शनि पर आकर रुका है, तो लाइफ में मनी के ऊपर कंसर्न या फोकस आपका ज़्यादा रहने वाला है। बायफोर्क फॉर्मेशन के साथ साथ एक शाखा गुरु से भी कनेक्टेड हुई है, तो इस कारण से ये इमोशनल नेचर को भी इंडिकेट करता है, वहीं लॉयल पर्सनैलिटी भी रहेगी। इट मीन्स किसी को धोखा चाह करके भी नहीं दे पाएंगे और सिंपैथेटिक नेचर यहाँ आपका रहने वाला है, जिसके कारण किसी का दुख दर्द ना देख पाना और खुद से जितना हो सकता है सहयोग प्रदान करना, वो सारे योग भी यहाँ पर बहुत अच्छे देखने को मिल रहे हैं। तो ये स्पिरिचुअल कनेक्शन के लिए अच्छा माना जाता है। शादी के बाद ससुराल पक्ष हुआ या खुद का भी लाइफ हुआ, बहुत ज़्यादा इम्प्रूव देखने को उसमें मिलता है और अच्छे बड़े लोगों से बड़े लोगों के द्वारा या ऊंचे कुल में सम्मानित होने के योगों को भी ये व्यक्त करता है। तो इसीलिए ये फॉर्मेशन यहाँ अच्छा देखने को मिलता है। और यहाँ पर भी आप देखेंगे तो एक वी का सिंबल आपको देखने को मिलेगा जो अच्छे कंसल्टेंसी को इंडिकेट करता है कि कंसल्टेंट आप अच्छे बन सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपके माइंड लाइन और हार्ट लाइन में ज़्यादा गैप नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि थोड़ा ज़िद्दीपन तो आपके अंदर है ही, लेकिन आप दिल की ज़्यादा सुनते हैं, यानी अपने इमोशंस फीलिंग्स के अकॉर्डिंगली ज़्यादा चलते हैं। ओवरऑल जो माइंड लाइन है आपका ये इंडिपेंडेंट है, तो इस कारण से बचपन से ही हर प्रकार की सुख सुविधा मिली हुई होती है या इंडिपेंडेंसी मिली हुई होती है कि जैसा कार्य करना है, जैसी मानसिकता रखनी आप रखिए करिए। तो इस कारण से ये ज़िद्दीपन को व्यक्त करता है कि जो भी आप एक बार ठानेंगे सो करके दिखाएंगे, सुनेंगे सबकी, करेंगे अंततः अपने मन की, और अपनी बात भी दूसरों से मनवा लेने वाले रहेंगे। तो ये ज़्यादा कॉम्प्रोमाइजिंग नेचर को नहीं इंडिकेट करता है और माइंड लाइन आपके स्ट्रेट है, जिसके कारण सीधे स्पष्ट रूप से बातचीत करना, सुनना, विचारना, लॉजिक लगा करके कार्य करना, लाइफ में एक्सपीरियंसेस अच्छे गेन करना, उसके अकॉर्डिंगली डिसीजंस लेना, वो सारे योग यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो ये गुड ग्रेसिपिंग स्किल, मेमोरी शार्प होने के कारण जो है चीज़ों को याद रख पाना, वो सारे जो है कॉम्बिनेशंस यहाँ पर अच्छे हैं आपके। और यहाँ पर आप देख पाएँ तो आपके जो प्रोग्रेस लाइन्स हैं जितने भी माइंड लाइन के ऊपर से भी, वो आकर के और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हुए जा रहे हैं। इट मीन्स लाइफ में जब जब थोड़ी बहुत ठोकर भी आपको लगेगी, उससे आपको कुछ ना कुछ बहुत अच्छा सीखेंगे और डिसीजंस बेसिकली और अच्छे आप लेने लग जाएंगे। तो ये अपने आप में बहुत ज़्यादा शुभ चिन्ह देखने को यहाँ मिल रहा है। आते हैं डायरेक्ट लाइफ लाइन के फ्लो में, तो यहाँ लाइफ लाइन पर आप देख पाएंगे कि लाइफ लाइन का फ्लो बाहर की ओर ज़्यादा झुक रहा है, जो विदेश यात्रा का सूचक होता है, या जन्म स्थान से दूर खुद के सेटलमेंट स्टेबिलिटी को रसने बसने के योगों को भी व्यक्त करता है। शुक्र से आने वाली रेखा पारिवारिक संबंधित्व में बढ़ोतरी करती है, जिसके कारण सुख सुविधाएं परिवार में बढ़ती है, या फिर आप अपने परिवार को लेकर के ज़्यादा कॉन्शियस रहेंगे, जिसके कारण सुख सुविधा उनको अर्जित करवाने में आप जो है उनकी मदद भी करेंगे। ओवरऑल लाइफ लाइन में कोई ऐसा तकलीफ परेशानी नहीं है,
और जो प्रोग्रेस लाइन है उसके बाद भी कुछ प्रोग्रेस लाइन निकली है, तो ये इंडिकेट करता है कि आपकी कभी भी जो मेहनत रही है वो कभी भी विफल नहीं रही है। और कुछ एक दो हल्की हल्की राहु की रेखा भी है जो अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर 36 के एज से लेकर के 42 के बीच में थोड़े से एक प्रकार से ट्रबल को, लॉसेस को इंडिकेट करता है, लेकिन इसका ज़्यादा प्रभाव आपकी लाइफ में पड़ा नहीं है। बात करें मंगल के क्षेत्र की, तो मंगल का क्षेत्र विस्तृत कुल मिलाकर के नॉर्मल है। थोड़ा सा योगा एक्सरसाइज वगैरह इन सब पे ध्यान देना आपको ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि स्टेमिना थोड़ा कम अभी के टाइम पे आपका दिख रहा है। वहीं माइंड लाइन से भी कुछ रेखाओं का कनेक्शन यहाँ आपके मंगल के क्षेत्र से हुआ है, जो डिसीजंस बहुत ज़्यादा लेना या उनके अंदर बहुत जल्दी चेंजेस करना, रिस्पॉन्सिबिलिटीज दिन प्रतिदिन बढ़ना, उसके योगों को व्यक्त करता है। बाहरी मंगल ठीक है आपका, तो मानसिक रूप से बलवान रहेंगे। शुक्र का क्षेत्र अच्छा है, तो कभी भी किसी भी प्रकार की लग्जरीज या सुख सुविधा का अभाव आपके जीवन में नहीं रहने वाला है। और यहाँ की जो मैं बात कर रहा था आड़ी रेखा, जो लाइफ लाइन को भी टच कर रही है, ये परिवार से रिलेटेड थोड़े टेंशन या किसी के हेल्थ रिलेटेड टेंशन रहने के योगों को भी व्यक्त करता है। वहीं सीधी खड़ी रेखा अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ को इंडिकेट करती है कि अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में अच्छी आएगी, उसमें कोई ऐसी कमी नहीं है। और केतु के क्षेत्र पर यहाँ पर मछली का चिन्ह आपका डेवलप है, तो धार्मिक यात्रा करना आपके लिए ज़्यादा शुभ फलदायक रहेगा और लाइफ में स्ट्रेंथ भी इस कारण से बढ़ती है। मल्टीपल्स लाइन यहाँ पर आपके चंद्र के क्षेत्र से निकल रही है, जो बाहरी दुनिया, बाहरी लोगों से मिलने वाले अच्छे सहयोग को, मन की ज़्यादा सुनना है, मन की ज़्यादा करना, वही जन्म स्थान से दूर खुद के प्रॉपर्टी के योगों को भी इंडिकेट करता है, क्योंकि स्क्वायर का साइन भी यहाँ पर अवेलेबल है। तो ये बेस्ट साइन है जिसके कारण जो ये इंटरनेशनली जो व्यापार होते हैं, ट्रेडिंग से रिलेटेड जो व्यापार होता है, उससे भी लाभ अच्छा मिलेगा, क्योंकि चंद्र पर आपके पॉजिटिव साइंस अवेलेबल है, एक्रॉस भी है। तो मन थोड़ा जल्दी विचलित होना या मन भटकना, वैसे योग भी होते हैं, लेकिन जो पॉजिटिव साइन है उनका प्रभाव ज़्यादा रहेगा। तो ये पॉजिटिव साइन के कारण प्रॉपर्टी के चांसेस आपके ब्राइट रहने वाले हैं। ओवरऑल यहाँ देखें तो ये आपकी फेट लाइन इस प्रकार से जाकर के मर्ज हुई है और मनी ट्रायंगल का फॉर्मेशन क्रिएट हो रहा है, तो जीवन में धन अच्छा आएगा, रुकेगा और बचेगा भी, उसका सदुपयोग भी कर पाने में सक्षम रहेंगे। आते हैं लेफ्ट पाम पर, तो यहाँ आप देख पाएंगे कि यहाँ पर आपकी जो मरकरी लाइन है बहुत शार्पली कंटिन्यूस चल रही है, तो व्यापार से अत्यंत लाभ मिलेगा और आप बहुत कुछ अपने लाइफ में दूसरों के लिए यानी अपने फैमिली के लिए छोड़ भी जाएंगे, क्योंकि मनी ट्रायंगल का फॉर्मेशन भी यहाँ पर है, ऊपर से मरकरी लाइन भी है, और यहाँ पर अगर आप सन लाइन पर आएंगे तो यहाँ पर आप एक प्रकार से यशस्वी योग का निर्माण करते हुए वी सिंबल को भी पाएंगे जी। इस प्रकार का जब योग होता है तो लाइफ में स्ट्रगल की कोई कमी नहीं रहती, स्ट्रगल अच्छा रहता है लेकिन एट द एंड लाइफ में बहुत अच्छे सक्सेसफुल साबित होते। तो जितने भी ये लाइन्स हैं, जैसे फेट लाइन भी है, वो भी बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट चल रहा है और सैटर्न तक पहुँचा है, तो जो भी आपके ड्रीम या डिज़ायर्स हैं वो कम्प्लीट होने के चांसेस पूरे के पूरे यहाँ अवेलेबल है। और जो अब लाइफ में आपको ग्रोथ मिलने वाला है वो 45 से लेकर के कंटिन्यूस यहाँ पर 60 के एज के लमसम तक आते आते मिल रहा है। तो अब जो और ज़्यादा आपके लाइफ जो है स्टेबल प्रोग्रेसिव होगा, बस बात यह है कि जितना लगाव फैमिली से पहले है वो उसमें थोड़ी डिस्टेंस आ रही है, तो फैमिली को थोड़ा कहीं ना कहीं कम समय दे पाएंगे। तो यह थी कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ से रिलेटेड। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो, कोई और अगर रह गया हो तो ज़रूर पूछें। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।